शेयरिंग द नॉलेज। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हायरार्की ऑफ कैटेगरीज। हायरार्की ऑफ कैटेगरीज क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो कि एक बुक है, बुक में बहुत सारे चैप्टर हैं, सबके बुक में कुछ 10-20 चैप्टर होते हैं। तो पहले जो बुक बनाया गया वो चैप्टर क्या उसी तरह था? नहीं, अलग अलग चैप्टर अलग अलग होके था, लेकिन उसको हमने सिक्वेंशियली अरेंज किया। ठीक है, अरेंज करके एक चैप्टर के बाद एक चैप्टर रखा, तो किसके बाद क्या होना चाहिए उस बुक में है। एक ये चैप्टर के बाद ये होना चाहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर वो प्रीवियस चैप्टर से कुछ ना कुछ रिलेटेड होता है। ठीक है, इसलिए उसको उसी तरह अरेंज किया गया। वैसे ही हायरार्की ऑफ कैटेगरीज क्या है, देखो हमने पहले क्या किया, हमने ग्रुप बना दिया। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनके पास कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक था और सर्टन रिलेशनशिप्स था, उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप था। ठीक है, और वो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक था उनके पास, कुछ सिमिलरिटीज था, तो उनको हमने एक ग्रुप बना दिया, ऐसे ग्रुप ग्रुप कर दिए। ठीक है, तो ग्रुप करने के बाद तो उनके बीच में तो कुछ रिलेशनशिप होगा ना, अलग अलग जो हमने कर दिया, तो उसको लॉजिकल सिक्वेंस में अरेंजमेंट करने को बोलते हैं हायरार्की ऑफ कैटेगरीज। ठीक है, हमने जो ग्रुप कर दिया मतलब उसको कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया। एक कैटेगरी, ये कैटेगरी में कौन कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा, दूसरे कैटेगरी में कौन कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा, तो हमने उसको कैटेगराइज कर दिया। कैटेगराइज करने के बाद हम देखेंगे कि इसको लॉजिकल सिक्वेंस में अरेंज करेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद किस कैटेगरी के बाद क्या कैटेगरी होना चाहिए, तो हम उसको अरेंजमेंट करेंगे। तो हायरार्की ऑफ कैटेगरीज क्या है, इट इज ए सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरीज। हम इसको अरेंजमेंट करने को बोलते हैं हायरार्की ऑफ कैटेगरीज। तो कैटेगरीज क्या है, तो ये सब कैटेगरीज हैं। मैंने इसको हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर तक, हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी तक अरेंज कर दिया है। तो सबसे हायर ऑर्डर कौन होता है, किंगडम, उसके बाद आता है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये होता है कैटेगरीज। तो इसको बोलते हैं, तो हमने पहले ही पढ़ा है टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी पढ़ के आए हैं। तो हर एक को, यहाँ पर हर एक कैटेगरी को एक एक टैक्सन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैक्सन। ठीक है, तो सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी कौन होता है, स्पीशीज। ठीक है, ये हमारा सबसे लोएस्ट कैटेगरी। सबसे हाईएस्ट कौन है, किंगडम, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया। 7 कैटेगरीज होते हैं और इसको हमने क्या लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद आया, जब भी हमें कोई नया कैटेगरी बनाना होता है, तो क्योंकि हमें यहाँ पर फाइलम के पास एक नया कैटेगरी बनाना है, नया ग्रुप, जितना ज्यादा स्पेसिस होंगे, जितना ज्यादा स्पेसिस उतना ज्यादा कैटेगरीज होंगे। ठीक है, जितना ज्यादा स्पेसिस होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उतना ज्यादा ग्रुप बनेगा और नया कैटेगरी बनेगा। सोचो कि मैंने यहाँ पर एक ग्रुप बनाया, फाइलम के नीचे और दो ग्रुप बनाए, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सब फाइलम, क्या लिखूंगा, और एक ग्रुप बन गया सब फाइलम। ठीक है, और सोचो कि मैंने क्लास के जस्ट बिफोर और एक ग्रुप बनाना है, उसको बोलेंगे सुपर क्लास। अगर मुझे क्लास के नीचे कोई ग्रुप बनाना है तो उसको बोलेंगे सब क्लास। समझ में आ रहा है, कोई भी कैटेगरी के अंडर अगर मैं कुछ नया कैटेगरी बना रहा हूं तो वहां पर सब लगता है, प्रीफिक्स में सब लगता है। अगर उससे ऊपर, उससे पहले मुझे उसी कैटेगरी के ऊपर मुझे कुछ हेडिंग देना है, तो वहां पर मैं प्रीफिक्स में सुपर लिखूंगा। समझ में आ रहा है, अगर पहले बनाना है प्रीफिक्स में सुपर, अगर उसके नीचे, उसके अंडर कुछ कैटेगरी बनाना है, वहां पर सब लगता है। समझ में आया, समझ में आ गया। तो वैसे ही ऑर्डर, ऑर्डर के नीचे अगर मुझे कुछ लिखना है सब ऑर्डर लिखूंगा, अगर उसके ऊपर कुछ बनाना है मुझे, मैं लिखूंगा सुपर ऑर्डर। समझ में आया, तो ये होता है हायरार्की ऑफ कैटेगरीज। समझ में आ गया हायरार्की ऑफ कैटेगरीज क्या है, हायरार्की ऑफ कैटेगरीज है अरेंजमेंट करना, अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरीज। जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, पहले से कर दिया है क्लासिफिकेशन, स्पेसिस को कौन से ग्रुप में रखना है। ठीक है, तो उसको अरेंजमेंट करेंगे सिक्वेंशियली, लॉजिकल ऑर्डर में हम उसको अरेंज करेंगे, लॉजिकल सिक्वेंस में। इसके बाद यह होना चाहिए, किंगडम के बाद फाइलम होना चाहिए, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पेसिस,
अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे, किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सबसे बेसिक यूनिट से स्टार्ट करते हैं, मतलब तो स्पेसिस क्या है। स्पेसिस इज द बेसिक यूनिट। स्पेसिस क्या है, स्पेसिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। क्लासिफिकेशन का भी बेसिक यूनिट स्पेसिस है एंड इवोल्यूशन का भी बेसिक यूनिट स्पेसिस है। सो ये क्या है, ये एक इंडिविजुअल है जिससे एक पॉपुलेशन बनता है। ये एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, जिस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा बन जाके बनाते हैं एक पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं। सोचो कि ह्यूमन पॉपुलेशन, इसमें सिर्फ ह्यूमन ही है, ना कि कुत्ते बिल्ली है। मैं अगर ह्यूमन पॉपुलेशन बोलूं तो सिर्फ इंसान ही होंगे उसमें। अगर मैं बोलूं कैट पॉपुलेशन तो उसमें सिर्फ बिल्ली होंगे। डॉग पॉपुलेशन मतलब उसके उसमें सिर्फ डॉग ही होंगे। डॉग के जितने भी सारे वेराइटी हैं, कैट के जितने भी सारे वेराइटी हैं और ह्यूमन के जितने भी सारे वेराइटी हैं, वो अपने पॉपुलेशन के अंदर हैं। तो स्पेसिस क्या है, स्पेसिस कंसिस्ट ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बनता है और वो स्पेसिस में आता है। स्पेसिस कंसिस्ट ऑफ ए पॉपुलेशन, स्पेसिस कंसिस्ट ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। समझ में आया, ये हो गया उसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। तो ये एक पॉपुलेशन बनाता है। और क्या आता है उसके बाद, होते स्पेसिस जो होते हैं वो एक मतलब एक ही तरह दिखते हैं सब। फर्स्ट इसका फीचर है वेरी क्लोजली रिसेम्बल ईच अदर, क्लोज रिसेम्बलेंस। ठीक है, वेरी क्लोजली रिसेम्बल टू ईच अदर, एक ही तरह दिखते हैं। और ये क्या होते हैं, एक इनका एक कॉमन एंसेस्टर होता है, मतलब एक ही पेरेंट से ये सब, मतलब एक ही पेरेंट बोल रहा हूँ, एक ही ऑर्गेनिज्म से ये सब इवॉल्व होके आए हैं। ठीक है, इनका जो एंसेस्टर है वो कॉमन है, एक ही है। ये जैसे इवोल्यूशन होता है ना, तो इनके एंसेस्टर जो था वो एक ही था। ठीक है, सो एक ही एंसेस्टर से ये सब इवॉल्व होके निकले हैं। ठीक है, तो कॉमन एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, उनका पूर्वज एक ही था, उसी से ये सब इवॉल्व होके निकले हैं। ठीक है, उसके बाद आए, अगर वो एक ही तरह सब हैं तो वो क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब अपने पॉपुलेशन के अंदर वो ब्रीडिंग कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। लेकिन इंटरब्रीड करने के बाद उनका एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आना चाहिए। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब जो ऑफस्प्रिंग निकला है, मतलब उनका जो बच्चे होंगे वो भी फ्यूचर में वो भी क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस ए फर्टाइल, मतलब बाद में फर्टिलाइजेशन कर सकता हूं, एबिलिटी होगा उसके पास, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, वो इंटरब्रीड करते हैं टू प्रोड्यूस ए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। समझ में आया, नेक्स्ट। अच्छा, तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस कर रहे थे वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग कर लिए। ठीक है, तो जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस, कुछ प्लांट्स होते हैं जो सेक्सुअली भी करते हैं और एसेक्सुअली भी करते हैं, कुछ फंगी होते हैं जो सेक्सुअली भी करते हैं एसेक्सुअली भी करते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं तो हम एनिमल्स सेक्सुअली करते हैं एसेक्सुअल नहीं करते। अच्छा, तो कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया फिजिकल रिसेम्बलेंस, मतलब बाहर से देख के उसको आइडेंटिफाई करो, नहीं तो बायोकेमिस्ट्री। पहला आया फिजिकल रिसेम्बलेंस, फिजिकल देखो, या तो फिर बायोकेमिस्ट्री करो। बायोकेमिस्ट्री मतलब स्टडी करेंगे सिमिलर डीएनए होगा, प्रोटीन होगा, सिमिलर डीएनए प्रोटीन अगर होगा वो होंगे क्या,
सिमिलर डीएनए और प्रोटीन होगा तो वो होंगे एक ही स्पेसीज के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये होता है क्या स्पेसीज का फीचर, ठीक है, समझ में आ गया स्पेसीज क्या है और उसका फीचर क्या है। स्पेसीज का और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे एक एग्जांपल देकर लिखते हैं, लायन, सॉरी स्पेसीज को साइंटिफिक नेम दे सकते हैं, साइंटिफिक नेम दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लायन, लायन का साइंटिफिक नेम क्या है, पांथेरा लियो। नोमेनक्लेचर पढ़े थे बाइनोमियल, तो हमने पढ़ा था कि अगर किसी का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसको इटैलिक्स में लिखते हैं, इटैलिक्स मतलब राइट को थोड़ा झुक गए होंगे, नहीं तो उसको अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वर्ड है ये होता है जीनस, ठीक है, और सेकेंड वर्ड जो होता है वो होता है स्पेसीज नेम, स्पेसीज, ठीक है। ये जो सेकेंड वाला वर्ड होता है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। ये एपिथेट क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट क्या है, जैसे हम इंसान है हमारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जैसे हम बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ एक्शन कर सकते हैं, कुछ भी हमारा कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसके वजह से हम बोलते हैं हम इंसान है, दो पैर दो हाथ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो एपिथेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। स्पेसिफिक एपिथेट मतलब कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। तो पांथेरा लियो मतलब फर्स्ट हो गया ये जीनस, ये हो गया स्पेसीज, तो ये स्पेसीज है और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे और एग्जांपल पोटैटो का लेते हैं, पोटैटो का सोलानम ट्यूबरोसम, सोलानम ट्यूबरोसम, तो ये हो गया उसका जीनस, ये हो गया उसका स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो ये हो गया उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, समझ में आ रहा है। तो इसको स्पेसिफिक एपिथेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, और ये हो गया उसका जीनस नेम, ठीक है। तो स्पेसीज को हम क्या है, साइंटिफिक नेम दे सकते हैं, जिसका एक होता है जीनस, दूसरा होता है स्पेसीज, और स्पेसीज को बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट क्यों, क्योंकि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, शो करता है, समझ में आ गया। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे जीनस। जैसे हम स्पेसीज में क्या किए, जितने भी सब इंडिविजुअल थे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे थे, मतलब एक ही तरह आते थे, तो उसको हमने ग्रुप बना दिया जिसको हम बोले स्पेसीज। इंडिविजुअल्स थे, एक ही तरह दिखते थे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स था, तो हमने बोला उसको स्पेसीज। उसी तरह जितने भी सब स्पेसीज हैं, अगर उनके बीच में कुछ कॉमन रिलेशनशिप है तो उसको हम बोल देंगे एक ही जीनस के अंडर आते हैं। जैसे कि सोचो टाइगर, लायन, लियोपार्ड, ठीक है, ये अलग अलग स्पेसीज है, टाइगर अलग है, लायन अलग है, लियोपार्ड अलग है, ठीक है, लेकिन इनके बीच में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ रिलेशनशिप होता है, ठीक है, तो इसलिए इनको एक जीनस के अंडर रखा जाता है। जीनस का प्लूरल क्या होता है, प्लूरल होता है जेनेरा, याद रखना, ये होता है सिंगुलर। तो इसका अगर मैं साइंटिफिक नेम लिखूं, देखो ध्यान से देखना, टाइगर का क्या होता है, पांथेरा टाइग्रिस, अच्छा लायन का क्या होता है, अभी पहले ही बोला पांथेरा लियो, अच्छा लियोपार्ड का क्या हो गया, पांथेरा पार्डस, ठीक है। देखो इनका
देखो सब जीनस जो है वो सेम है, क्यों? क्योंकि ये जो स्पेसीज है ये अलग अलग स्पेसीज है, ये एक स्पेसीज है, ये एक स्पेसीज है, ये एक स्पेसीज है, लेकिन इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप है जिसके वजह से इनको एक ही जीनस के अंदर रखा गया है। समझ में आया? बहुत सारे स्पेसीज मिलके एक जीनस बनाते हैं, अलग अलग जीनस में मिला के एक फैमिली बनते हैं। तो आगे आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जीनस किससे बना? स्पेसीज से बना। किससे बना? स्पेसीज से बना। स्पेसीज बहुत सारे स्पेसीज, ये एक स्पेसीज का ग्रुप है, ये एक स्पेसीज का ग्रुप है, ये एक स्पेसीज का ग्रुप है। तो सब स्पेसीज का ग्रुप मिलके क्या बना रहे हैं? एक जीनस बना रहे हैं। समझ में आया? तो जीनस इज द, जीनस क्या है? जीनस बहुत सारे स्पेसीज मिला के है। तो एग्जांपल ये रहा, समझ में आ गया होगा जीनस क्या है। ठीक है, जीनस से हमें और क्या पता चलता है? जीनस से हमें और पता चलता है कि ये जितने सारे स्पेसीज हैं, जितने सारे स्पेसीज हैं वो जो एक ही जीनस के अंडर आ रहे हैं उनका कुछ कॉमन एंसेस्टर है, एक ही कॉमन एंसेस्टर। जितने भी स्पेसीज एक ही जीनस के अंडर आ रहे हैं तो उनका वो इवॉल्व हुए होंगे एक कॉमन एंसेस्टर से। ये हमें जीनस बताता है कि जितने भी स्पेसीज मेरे अंडर आते हैं एक ही जीनस के अंडर आते हैं, जितने भी स्पेसीज। ये देखो ये तीन स्पेसीज हो गए जो एक ही जीनस के अंडर आ रहे हैं। तो जीनस क्या है? पंथेरा है। तो इसका मतलब इनका जो एंसेस्टर है वो कॉमन है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फैमिली। तो फैमिली में क्या होता है कि जितने भी सब जेनेरा हैं, मतलब जीनस हैं, अगर उनके बीच में कुछ रिलेशन है तो उनको एक ही फैमिली के अंडर रख दिया जाता है। अच्छा, तो हमने पढ़ा अभी पहले क्या पढ़ा स्पेसिस में कि जो इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ इंटरप्रेट कर सकते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, सिमिलरिटीज होंगे, तो उनको हम बोल दिए स्पेसीज। अभी हमने क्या पढ़ा इससे पहले कि स्पेसीज जो होते हैं कि इंडिविजुअल होता है जिनके बीच में कुछ कॉमन सिमिलरिटीज होते हैं और कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उसको हमने स्पेसीज बोला। स्पेसीज क्या बनाते हैं? स्पेसीज बनाते हैं जीनस। जो भी स्पेसीज मतलब एक एक ग्रुप बनाते हैं तो उसको एक जीनस के अंडर रख दिया जाता है, और जो भी सिमिलर जीनस होते हैं वो फैमिली के अंदर आएगा। तो तुम समझ रहे हो कि फैमिली फैमिली मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्डर। ठीक है, और ऑर्डर ऑर्डर मिलके क्या बनाएंगे? क्लास। क्लास क्लास मिलके बनाएंगे फाइलम। फाइलम बनके मिलके बनाएंगे किंगडम। ठीक है, समझ में आया? तो इसी तरह चलेगा आगे भी। फैमिली क्या है ना, बहुत सारे जीनस होते हैं जिनके बीच में कुछ थोड़ा सा रिलेशन होता है, उसको एक ही फैमिली के अंडर रख दिया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे ही हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, कहां से? स्पेसीज से किंगडम तक, किंगडम तक जा रहे हैं, तो इनके बीच में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वो कम होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और रिलेशनशिप कुछ भी, और रिलेशनशिप जो भी है वो डिक्रीज करता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन फाइनली क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल सब अलग 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 हो जाएंगे। जैसे हम किंगडम पढ़ के आए, मनरेगा प्रोटिस्टा पंगी प्लांट एनिमलिया जो भी हम पढ़ के आए हैं वो सब अलग अलग बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। ठीक है, तो जैसे ही जैसे हम ऊपर जाएंगे पूरा उनका जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कम होता जाएगा। तो हम डिस्कस करते हैं फैमिली। तो जितना कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स था ना जिस जीनस में, उससे कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कहां पे होगा? फैमिली में। ये बात याद रखना। तो सोचो कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जो लायन टाइगर और लियोपर्ड, उसको हमने क्या किया था? एक ही जीनस के अंडर रखा था, दैट इज पैंथेरा। और एक जीनस होता है जिसको हम बोलते हैं फेलिस। ये जीनस है, क्या है? तो फेलिस। फेलिस में कौन आता है? कैट। तो कैट और टाइगर, टाइगर के बीच में कुछ कॉमन रिलेशनशिप होता है, जैसे कि बोलते हैं ना शेर नहीं देखा तो उसकी मौसी बिल्ली। ठीक है, तो कैट भी कुछ हद तक
टाइगर की तरह दिखता है, लेकिन टाइगर क्या है, बहुत ही बड़ा है, बिल्ली जो है बहुत ही छोटा है, उसका साइज छोटा है लेकिन वो बिल्कुल दिखता है टाइगर की तरह। तो और उनका पूरा उसका फेशियल स्ट्रक्चर भी टाइगर की तरह होता है, उसका जो क्लॉज होता है वो भी होता है उसी की तरह, ठीक है। तो इनको क्या कर दिया गया, एक ही फैमिली के अंडर रख दिया गया, दैट इज फेलिडे, ठीक है। तो ये हो गया इसका फैमिली, कैट और टाइगर, मतलब पांथरा और फेलिस। फेलिस में क्या आते हैं, कैट्स आते हैं, पांथरा में टाइगर, लायन, लियोपर्ड, जितने भी सब उनके स्पेसीज होते हैं, उन इस जीनस के अंदर जितने भी स्पेसीज आते हैं इसमें आते हैं। तो इन दोनों को मिला के हमने एक फैमिली बनाया जिसको बोलते हैं फेलिडे, समझ में आया, और कुछ नहीं है। इसी तरह फिर आगे बढ़ते जाएंगे, प्लांट में क्या होता है, अभी हमने पढ़ के सोलानम जेनस, और एक होता है पेटूनिया जीनस, ये सब जेनरा है, ये एक एक जीनस है, और प्लूरल क्या मैंने बोला था, जेनरा, पेटूनिया, दत्तुरा। तो ये हो गया अलग अलग जीनस, तीन जीनस हो गए, ठीक है। तो इसको हमने एक फैमिली के अंदर रख दिया, दैट इज सोलानासी, सोलानासी फैमिली के अंडर ये तीनों जेनरा को हमने रख दिया। तो ये हो गया हमारा फैमिली। हाँ, और एक बात, जो फेलिडी होते हैं इसमें कैट और टाइगर आ गया, और एक फैमिली होता है कैनिडे, इसमें आते हैं डॉग और फॉक्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल इनसे अलग होते हैं, कुत्ते और बिल्ली एक ही तरह दिखते हैं क्या, नहीं, कुत्ते कुत्ते की तरह दिखते हैं, बिल्ली बिल्ली की तरह दिखते हैं, मतलब कुत्ते जो फॉक्स होते हैं वह जो हाउलिंग करते हैं वो एक ही तरह दिखते हैं। तो उनको रख दिया गया इस फैमिली के अंडर कैनेडी, और जो बिल्ली और टाइगर होते हैं वो एक ही तरह दिखते हैं, भले ही साइज उनका कुछ हो, तो इसको रख दिया फेलिडी में। तो ये हो गया हमारा फैमिली के बारे में बहुत सारा। उसके बाद पढ़ेंगे ऑर्डर, क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर जज साहब, ऑर्डर ऑर्डर, तुम लोगों ने सही गेस किया कि ऑर्डर में क्या होता है, रिलेटेड फैमिलीज को ऑर्डर में रखा जाता है, जो भी फैमिलीज में कुछ थोड़ा थोड़ा रिलेशन होगा, बहुत ही कम रिलेशन होता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसको एक ही ऑर्डर में रखा जाता है। तो एक ही ऑर्डर में जो फैमिलीज होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू नंबर ऑफ फैमिलीज, कुछ नंबर ऑफ फैमिलीज, इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। तो रिलेटेड फैमिलीज होते हैं थोड़े से, जिनके बीच में थोड़ा सा भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ठीक है, थोड़ा सा भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगा उसको एक ही ऑर्डर में रख दिया जाता है। तो मैंने बोला था स्पेसिस, मतलब हम नीचे से आए थे स्पेसिस के बाद आए थे जीनस, जीनस के बाद आए हम फैमिली, फैमिली के बाद आए ऑर्डर, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने बोला था ऊपर ऊपर हम जाएंगे, वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम होता होता जाएगा, ठीक है, पहले ही बोला था। तो यहाँ पर भी बहुत ही कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि ऑर्डर कार्निवोरा, कार्निवोरा में आएंगे फैमिली, फेलिडे एंड कैनिडे, ठीक है, दोनों ही क्या है, कार्निवोरस है, इसलिए उनको एक ही ऑर्डर में रख दिया गया। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दोनों कार्निवोरस हैं, दोनों फैमिली क्या है, कार्निवोरस है, इसलिए इनको एक ही ऑर्डर के अंदर रख दिया गया, ठीक है। अच्छा, और प्लांट में भी वैसे ही कुछ है, प्लांट में कुछ है जैसे है, अभी हमने पढ़ के आए सोलानासी, और कॉनभोल गुलासी, ठीक है, इनको एक ही फैमिली के अंदर रख दिया जाता है, एक ही फैमिली के अंदर आते हैं,
और वो फैमिली क्या है, पॉलीमोनियल्स। क्या है ये? एक ही फैमिली के अंदर आते हैं जिसको बोलते हैं पॉलीमोनियल्स। मैथ के बारे में मत सोचना, पॉलीनोमियल होता है वो, ये है पॉलीमोनियल्स। ठीक है, पॉलीमोनियल्स फैमिली, सॉरी ऑर्डर के अंदर आते हैं ये दोनों। समझ में आया? ये है ऑर्डर, ये दो है फैमिली, ये दो है फैमिली, ये है ऑर्डर, कार्निवोर। ठीक है, समझ में आया? ओके, उसके बाद आया क्लास। अगेन गेस दैट, क्या होगा यहां पर क्लास में? क्या होगा? द रिलेटेड, रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक, क्या है? रिलेटेड ऑर्डर आर प्लेस्ड इन द क्लास। रिलेटेड, जो भी ऑर्डर के बीच में कुछ रिलेशनशिप होगा, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगा, उसको एक ही क्लास के अंदर रखते हैं, प्लेस कर दिया गया। तो समझ में आया? क्लास, रिलेटेड ऑर्डर्स आर प्लेस्ड इन द सेम क्लास, एक ही क्लास के अंदर रिलेटेड ऑर्डर्स को रखते हैं, जो जिसके पास कुछ कॉमन फीचर्स होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास आया मामालिया, मामालिया क्लास में क्या आया? ऑर्डर आया कार्निवोरा, हर्बीवोरा एंड प्राइमेट्स, और भी हैं एग्जाम्पल। मामालिया में आगे कार्निवोरा, हर्बीवोरा, प्राइमेट्स, कार्निवोरा। कार्निवोरा में क्या क्या आया? कार्निवोरा में हम पढ़े अभी आते हैं कैट, डॉग, टाइगर, क्या आ रहे हैं? हर्बीवोरा में आ रहे हैं काउ, डियर। प्राइमेट्स में मैन, मंकी, गोरिला, ये सब आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा मामालिया का, मामालिया क्लास का ऑर्डर, और ये हो गया उसका स्पीशीज। और इनका जो फैमिली है अभी हमने डिस्कस करके है, कैनिडे, फेलिडे, पढ़ गया है अभी, समझ में आ रहा होगा। मामालिया किस, कौन है जिसके पास मामारी ग्लैंड होते हैं? जितने भी सब एनिमल्स होते हैं वो मामालिया है, जो भी एनिमल्स उनके पास क्या होते हैं? मामारी ग्लैंड होते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे क्या? फाइलम, फाइलम। तो फाइलम के अंदर क्या आ गया? रिलेटेड क्लासेस आर प्लेस्ड इन द सेम फाइलम, एक ही फाइलम के अंदर जितने भी सब रिलेटेड क्लास होते हैं उसको रख दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है। तो क्या देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक फाइलम है कोडाटा, तो कोडाटा में कौन कौन आते हैं? फिशेस आ गया, मतलब जो मछली होते हैं फिशेस, एप्स, बर्ड्स जो होते हैं, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, मामालिया। ठीक है, ये सब है क्लास। ठीक है, ये सब है एक एक क्लास, अलग अलग क्लास है, लेकिन इनके बीच में कुछ कॉमन फीचर होते हैं जिसके वजह से इनको एक ही फाइलम में रख दिया गया। ठीक है, तो क्या है वो? है कॉमन फीचर क्या है? जितने भी सब कोडाटा फाइलम के अंदर आते हैं सबके पास क्या होता है? एक नोटोकोड होता है। क्या होता है? नोटोकोड होता है। एंड और क्या होता है? एक डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम होता है, न्यूरल सिस्टम होता है। ठीक है, ये हो गया उसका कॉमन फीचर। फाइलम कोडाटा के अंदर जो आते हैं फिशेस, एप्स, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, मामालिया, ये सब अलग अलग क्लास है, एक ही फाइलम के अंदर आते हैं कोडाटा, और उनके पास एक कॉमन फीचर है जिसको, जो कि है सबके पास एक नोटोकोड होगा एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम होगा, ये होता है फाइलम। उसके बाद आया किंगडम, किंगडम हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट कैटेगरी, इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का सबसे हायर कैटेगरी होता है ये किंगडम, जिसमें सेम फाइल को एक ही
किंगडम के अंडर रख दिया जाता है। जो भी फाइलम क्या करते हैं उनके बीच में थोड़ा सा भी रिलेशन, मैंने क्या बोला था, जैसे ऊपर से नीचे से ऊपर हम आएंगे उतना ही कॉमन फीचर कम होता होता जाएगा। अलग बहुत सारे फाइलम मिलके बनाते हैं किंगडम, फाइलम अलग अलग फाइलम, अलग अलग फाइलम मिलके एक किंगडम बनाते हैं। तो अब पहले हम पढ़ के आए क्या, टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ पढ़ा, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो पढ़ के आए हैं। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमल, ये होंगे, ये पांच किंगडम हो गया। इस किंगडम के अंडर बहुत सारे फाइलम होंगे, फाइलम के अंडर क्या होंगे, क्लास होंगे, क्लास के अंडर ऑर्डर, उसके नीचे फैमिली, उसके नीचे जीनस, और सबसे नीचे क्या होता है, स्पेसीज आता है। सोचो कि जितने भी सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है, तो उसको हमने क्या कर दिया, एनिमलिया में रख दिया, किंगडम एनिमलिया में। जितने भी सब हैं एनिमल्स दैट शेयर ए कॉमन फीचर, जितने भी सब आते हैं फाइलम में, एक कॉमन फाइलम में आते हैं, उसको हमने बोल दिया एनिमलिया। जितने भी सब प्लांट स्पेसीज होते हैं उनको हमने रख दिया किसमें, किंगडम प्लांटे में, ठीक है। तो एनिमलिया में आगे जितने भी सब एनिमल्स हो गए, प्लांट में आगे जितने सारे प्लांट्स हो गए, एनिमलिया में बहुत सारे क्या होते हैं, फाइलम होते हैं। अलग अलग फाइलम से क्या होते हैं, अलग अलग फाइलम से होते हैं क्लास, क्लास से होते हैं फिर ऑर्डर, ऑर्डर से फैमिली, फैमिली से जीनस, और उससे स्पेसीज। तो ये हो गया सेवन कैटेगरीज हो गया। इसको हम अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, असेंडिंग ऑर्डर मतलब लोअर टू हायर, तो पहले आएगा स्पेसीज, स्पेसीज के ऊपर आएगा जीनस, जीनस के ऊपर आएगा फैमिली, फैमिली के ऊपर आएगा ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर आएगा क्लास, क्लास के ऊपर फाइलम, फाइलम के ऊपर क्या आएगा, किंगडम। ये हो गया हमारा सेवन किंगडम, सॉरी सेवन कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन, समझ में आया। अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो कॉमन फीचर जो होता है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, किंगडम तक पहुंचने तक कॉमन फीचर जो होता है पूरा कम हो जाएगा। अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मतलब कॉमन फीचर जो होता है, रिलेशन उनके बीच में ज्यादा बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो कॉमन फीचर क्या होगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, कॉमन फीचर डिक्रीज करता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, कॉमन फीचर इंक्रीज करता है। जैसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे उनके बीच में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कॉमन फीचर बढ़ता जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में कॉमन फीचर कम होता जाएगा। जैसे किंगडम के पास पहुंचेंगे कॉमन फीचर क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे किंगडम के बारे में, और हम जो भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही, यहीं पर रखते हैं, वीडियो को खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और शेयर करो, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज मानस परणा साइनिंग ऑफ।